फ्रूट वगैरह जेड़ा है ना धोया जा रहा है। रोटी वगैरह बना के बाहर कड़ दिंदा होंदिया रोटियां अपने जी रोटियां इस तरह दी नहीं होंदियां तंदूर दी जैके जूके वालियां लेकिन वो रोटी होंदी मैं वेखी है नेट ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल ने सारयां दे। अलहमदुल्ला जी अज है 26वां रोज़ा शब्बे कदर की रात और साडा जिहड़ा है ना विलोग अज शब्बे कदर दे ही रिलेटेड होगा इनशाला। कुछ समान वगैरह मैं लैके आ गया मसलन खाण पकाने वाला अज क्योंकि स्पैशल दावत आवणगियां काफ़ी सारिया क्योंकि अज मैं लैके आया जी 2 किलो गोश्त लैके आया। सालन भी बना लवी ठीक है तो बिरयानी भी बना लवी मज वगैरह चुनने ना पहले तो फिर इनशाला तैयारी शुरू कर दे। सुबह इनू नहलाया तो काम देख लेंदे सारी गली पई आ और बच्चों के काम चैक करो तुम ए जे सारे कबूतर उड़े पैन ना ये सारे बच्चों ने उड़ाए ने ए तोड़ तक ए सारा गंद बगा पी तुम क्या सफाइया असं कि सफाइया करिए बच्चे तंग बच्चे जो तसली ने सफाई करते ने कने उड़ाए ने तू उड़ाए ने झूठ नहीं बोलना तेन रोजा हूं दंद कट दी पी तेन रोजा झूठ नहीं बोलना ठीक है ना कै उड़ाए ने तू उड़ाए ने चल चुग भी तू झाड़ू चाह के दे चल तेन ही सजा है झाड़ू चाह के सारा दे तेन पता लगे दुध आला देजका शौकी रख दिता चाह के भी ना शेरू नहीं कह सकते शौकी शौकी निकल जाता है हम शौकी शौकी रवे चलो ठीक है क्यों नहीं तेरा भी ना को रखिए है ओ कान पीछे करके सही तरह सुन दी की ना रखिए तेरा मैनू छिकना पैंदा बेगम को जेड़ा ना छिकिया ही नहीं जाता है शौकी नू बड़ा मुश्किल न बनया जोर लाता माशाल्लाह ना सेहतमंद भी और तकड़ा भी तुसी ना देख रहे होने इनू ना वैसे अगे चल के थोड़ी बहुत ही ना खुराक देंगे इनशाला थोड़ा जहाँ इनू तकड़िया करांगे हाँ इनू वेचना नहीं असी बिल्कुल ना इनू नौजवान करके वेचांगे सही लेकिन नू थोड़ा बहुत ना सांभ के वेचांगे इनशाला मझ नू असी सुबह सुबह नवाया सी लहबा अज पूछल फट के खड़ी है किधर अब्दुल रहमान पूछल फट के खड़ा होया पूछल हलांदी इन्हां ते पूछल दे उत्ते कोई मट्टी वगैरह होवे ना तो दुध विच पै जांदे इसे करके पूछल फड़ना पैंदा है फिर दुध तुहानू पता है असी पीना हुंदा है ते विच मट्टी वगैरह या गोबर जावेगा फिर अच्छी गल नहीं है। बाकी असी सारयां दा जिहड़ा हैगा ना कहना मान लिया सी और इहदे विच साडा भी जिहड़ा हैगा ना कुछ फायदा है कि मझ नूं जिहड़ा हैगा ना कीचड़ तों हटा के साफ सुथरी सुकी जगह ते लिया के चोईदा है बेगम साहबां नूं आसानी हो जाती है कपड़े वगैरह खराब नहीं होंदे क्योंकि इहदे ते किला सी स्पैशल पूरिया होया उत्थों खोल के इत्थे बन्ने इत्थे चो लैने आराम सुकून जगह ही साफ सुथरी होंदी थलों मझ चोण दा जिहड़ा टाइम है ना बड़ा असी अजीब रख लिया वह भी सिर्फ माहे रमज़ान पहले असी सही चोंदे सी सुबह दे टाइम 7-8 बजे और शाम नूं जिहड़ा है तकरीबन 5-6 बजे हुण असी तकरीबन 3-4 बजे चो लैंदे हुंदे आ और उधरों असी तकरीबन 2 बजे रात नूं चोंदे हुंदे आ हाँ सारी टाइम मझ वगैरह चो के मैं चला गया सी शहर क्योंकि ना फ्रूट कोई नहीं लैंदा सी बाकी सब्जी वगैरह तो मैं लैके आ गया सी और बेगम साहबान मेरे आने तक जिहड़ा है ना सारा हिसाब किताब जिहड़ा है ना बना के बैठी हुई है और पहले साडी दिल बनी खड़ी सी कि चावल ही बनाने सालन ही बनाने हुण सोच रहे हैं कि सिर्फ ना सालन बनाउण लगे हां क्योंकि असी एक चीज़ ही मसा खावे फिर इवें बचिया रहिंदा पिया रहिंदा 2-3 दिन कोई खाता है कोई नहीं तो इस करके जिहड़ा है ना अज ना सालन बनाने सिर्फ और सिर्फ फिर कद जिहड़ा है बना लवेंगे गोश्त रख दें ना तो फिर सुबह या परसों जिहड़ा है बना लवेंगे गोश्त वड्डा है जी वड्डा लैन दा जी कट्टे दा गोश्त
गोश्त असी पहले ही बॉयल कर लिया सी, सिर्फ दो मिनट लगे ने सालन तैयार हो गया, सिर्फ दो मिनट के अंदर मिसाला वगैरह पौनी दिती। माशाल्लाह जबरदस्त कुरमा बनया पे इंज लगता पे। बिल्ले नु जेड़ा कहना पचाया, चल 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 निकल कर निकल कर, इन्हें भी साडा नुकसान किया होया, इन हूँ मैं कर नहीं बढ़न देना है, इन असी ना जबरदस्ती कर दें जान करना दिल नहीं करता। खाना वाना इन पावे एक बार वो हूँ उन्होंने बजा के दीवार क्रॉस करके फिर चेड़ा करना, इन बजाई दस करके आ कि मुर्गे वगैरह जी दस्सी आ गई लैने जो लै जाने सालन साडा पक के रेडी हो गया। हूँ वारी आ गई जी रोटियां की। वैसे ही आप अगर बनाते ना दो चार रेसिपियां तो मैं कहना रात के 8 बज जाने से 9। हाँ चलो अपने घर चीज़ पई हुई आ सुबह बना लाँगे। आटा भी साडा आखिरी गेड़ा है सी जिहड़ा ए आला सी इस्तेमाल करते पे अपने घर के दाने, और इस तू अगे सानू हुण आटा जिहड़ा है ना मुल लैना पैना। बाकी ये नहीं पैसे हैं साढ़े को, असी वैसे नहीं पहनते कि साढ़े घर आटा दाना कोई नहीं। वैसे मैं दसदा पाया कि भी आटा जिहड़ा है ना घर दे, हाँ घर के दाने का जिहड़ा आटा है ना वह लास्ट है, इस तू अगे सानू बाजार ही मिलेगा। उन्नी देर तक वैसे ही मेरे ख्याल है गंदम जी आ जानी असि अपनी जी है ना ताजी गंदम ने वैसे एडे ना खाने की रोटी नहीं होंगी। हाँ पुरानी अगर कि गंदम मिल गई ना तो मन दो लै लवेंगे, तो ताजी गंदम जी है नवी ये 10-15 एक मन ना लैके रख लवेंगे। आप पिछली बार असी ले तकरीबन मेरे ख्याल 10 मन गंदम, तो 10 मन गंदम नाल अलहमदुल्ला साडा तकरीबन सारा निकल गया सीजन। तो इस बार सोच रहे कि इस बार माशाला बच्चे व्डे हो गए ने 15 मन लैके रखेंगे। बच्चों का शौक पूरा हो गया, गड्डी रुलती फिरती है, इनका हैंडल गायब है, स्टेयरिंग गायब है, इनका बाकी हाले तक वैसे ठीक है, स्टेयरिंग बदले खोल के इन्होंने कितने छिट दिता है। ए देखो बेगम साहब दस्ती पी जाता है, कोई पुरजा पे हो इनके दूसरे पुरजे कितने ने वैसे इनके पुरजे शुरजे लिया जोड़ के जेड़ा कहना रखिए बच्चे तो तेन पता है बच्चे बच्चे ही ने उन्होंने कहड़ा जोड़ने अट के पन तोड़ के मैं पहले पता से महीना ही नहीं कढ़नी। हाले जी ईमान फातमन सैकल लैके दी सी ना उन्हें भी जी हवा इन्होंने कढ़ दी है पिछले टायर की, वह भी जी ना पंचर हो गई, पता नहीं कि मारिया किसी चीज़ पतन की किया, वो सैकल भी पंचर हो पी है उन्होंने जोड़ा कहना इन्होंने पंचर लवा के देना है। और यह देखो ए चक्की फिर सी अब्दुल वहाब साहब इत सट के अंदर चला गया बस्ता। मक्खियां जड़िया ना तंग कर आ जा गर्मी है, तू मखियां वेखन जिलिया कर सू हूँ की करिए, इतना अगर स्परे करिए तो पूरे नहीं लेंदे। हाँ हम देखो ना नेरिया बैठी हुई काफ़ी सारिया, ये सारिया गर्मिया तंग कर सू ना सर्दियों में शुकर सर्दियाँ वैसे एक मौज होंगी सर्दियों की, सर्दी में मक्खी कोई नहीं होंगी, मच्छर ही कोई नहीं हों, नींदरी बड़ी जबरदस्त आती है क्योंकि उनका बचाव होंगे ना, हूँ गर्मी आ जानी एक मच्छर पट्टेगा एक नींदर एडी नहीं आती बिजली चली जाती तो घबराहटा पसीने तो सर्दी बड़ी मौज है। और जिन्हें एक बहन भाई तो रेंदे ना मेरे ख्याल है यूके दे विच उधर सर्दी पैंदी आ या जो ठंडे इलाके च रेंदे उन्हां दीआं ते मौजां ने क्या बात है। हाँ जबरदस्त जिहड़ा कहिंदा कोई ना मक्खी की ना कोई गल ना कोई बात है। जालियां लैके आनियां ने वैसे भी यह जी अलमारियां वगैरह ओपन नज़र आ रही ना, तो हाले एडा ज़्यादा मच्छर है कोई नहीं, लेकिन स्परे वगैरह से कर देने मच्छर चला जाता सुकून सौंदे उन्हें अलहमदुल्ला ऐसी कोई गल नहीं। तो इन्हें वैसे कि एहतियातन तौर पर इंदियाँ ला देवे जालियाँ वगैरह ताकि घर च मच्छर वगैरह वढ़न की जगह खत्म हो जाए। अलहमदुल्ला जी आटा भी गुन गुन लिया, हाले गुंधी पी मैं तक गुन लिया मैं तक गुन लिया तो बेगम से मैं फिर गुनन लग गई दोबारा। हुण ते आटे गुन्नण वालियां मशीनां छोड़ के आटा पाओ दूसरी साइड तो रोटियां बन के आ जांदियां ने। हाँ सहूलतां जिहड़ियां ना बड़ियां बन गईयां, लेकिन वो मशीनां काफ़ी ज़्यादा हाले तक महंगीयां ने, साढ़े रंगा बंदा नहीं लै सकता, कम अज कम कोई 1-1.5 लाख रुपए की मशीन है जिंदे विच आटा पाओ सुक्का
तो पानी पाओ, आटा पाओ, नमक वगैरह पाओ, दूसरी साइड तो जरा तकरीबन मतलब छोटी जी एडी एक मशीन होंगी जिमें ओवन नहीं है यह गर्म करता सालन वगैरह इस तरह का व्डा सारा बनया हों बक्सा जहा तो रोटी वगैरह बना के बहर कड़ दिता हों रोटियां अपने जी रोटियां इस तरह की नहीं होंगे तंदूर द जैके जूके वाली लेकिन वो रोटी होंगी मैं वेखी है नैट पर तो सिर्फ ना छोटी छोटी रोटी बनती है शहर के हिसाब न साढ़े रंगन तो चंकी नहीं लगनी खावन की चीज़ लै मशीन लै भी लगी साढ़े पसंद ही नहीं आनी क्योंकि पिंड का जो बंदा है ना सब तो ज़्यादा जी रोटी अच्छी तंदूर की लगती है तवे की रोटी भी चंकी एड्डी नहीं लगती तंदूर की ज़्यादा अच्छी लगती है। अगले दिन मैं नैट पर वेख्या बल्कि मैं तुम्हें जोड़ा है ना दिखाना कि वह कि मशीन की जिक्र कर जेडे बैना बाई वो ज़्यादा पैसा है ना तो वह या सिस्टर मेरिया वेख रही ने तो अगर मसल तुम अपने घर तंग करके अगर मसल ज़्यादा पैसे हैं तो को लवन दे लै सकते हो बड़ी जबरदस्त बड़ी सहूलत है साढ़े को पैसे अल्लाह सब देगा तो असं भी लवेंगे कोई गल इस करके मैं दिखा रहा क्योंकि किसी नहीं ना पता होंगे तो वो इवें ना समझने बाद भी इवें गल करता पे हाली मैं देखी सी पाकिस्तानी इनकी प्राइज है तकरीबन आटोमैटिक रोटी बैकर तकरीबन पाकिस्तानी प्राइज इनकी भाई साहब पैसों की एक लख ते 75,000 रुपए की ओए होए 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 इन्नी महंगी हैगी आटोमैटिक है देखो एन का सहज है ए नज़र आ रही होगी डब्बा जहा बनया हुआ आटोमैटिक जी है मशीन और है काफ़ी महंगी 1,75,000 रुपए की दूसरिया ए वाली सस्तियाँ मिलती ने रोटी मैकर मसल ए जी मशीन वगैरह है ए सस्ती मिलती है ते ओ फुल ऑटोमैटिक हैगी बहुत ज़्यादा महंगी है बेगम आ जाती है ना उन्हें बिखाने लेकिन है काफ़ी महंगी बहुत ज़्यादा महंगी हो सकता कि अगे चल के जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही अगे चल के हो सकता कि कोई 10-20,000 की हो जाए तो असी भी ले लवी बाकी कमेंट करके अगर किसी के घर में ही उनकी ऑटोमैटिक मशीन है तो कमेंट करके दसो तुम कितने दिन हो गए लई हुई है और किन्ने की लई सी बेगम नु दसिए दिन ते लथ गया जल्दी कर ला हाँ फ्रूट दो ले फिर साइड ते रखी हो बच्चे जन खराब ना करन फ्रूट अच्छा गल तो मोटे अब्दुल वाह पता है की प्यारा अम्मी मेनू भूख लगी मैं की है एक शायद चाय दे के ओ याद आया आईडिया आया के आईडिया यार स्पेशल करके कट्ठे बह के सुकून ना जिहड़ा है ना इफ्तारी करांगे इंशाल्लाह फ्रूट वगैरह जिहड़ा है ना धोया जा रहा है माल्टियां दी एंड होगी बेगम सर अगे मैं कह रही कि माल्टे किस तरह के लै आते हैं 250 रुपये किलो मिले ने जेडे तेन बेकार नज़र आ रहे ने हाँ जी ए देखो है नहीं उस तरह की सच्ची हो गई देखो ना लिब्बे जे तो अजीब जे तो इन्ने महंगे स्ट्राबरिया की भी हूँ एंड हुई पी है हूँ अगे चल के पते की चलना खरबूजा दवाना मेरे ख्याल गर्मा वगैरह मसल इस तरह की चीज़ा खुरमानी आलू बुखारा आड़ू अंब ये हाले चीज़ा जड़िया आनिया ने हाले आईया कोई नहीं कदे वो दौर थी माशाल्लाह पिछले माह रमजान मेरे ख्याल एंड तक आ गई सी है ना खुरमानिया आलू बुखारा सारी अरशा आ गई थी तो उस तो पिछले माह रमजान बिल्कुल मौजूद सी इस माह रमजान च नामो निशान ही कोई नहीं है आड़ू आलू बुखारा खुरमानिया कोई शाय ही कोई नहीं है इस माह रमजान माशाल्लाह माल्टे खत्म नहीं हुए माल्टे मौजूद अगे माल्टे कोई नहीं होंगे माह रमजान च ना पिछले अलहमदुलिल्लाह पहली रोटी
ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬੇਸੁਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਾ ਕੌੜੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਦੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਬਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਪਕਾਉਣੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਵੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਵਲ ਆ ਗਏ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੋ ਚਾਵਲ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਲ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੈਂਕਲੀ ਚੋਰ ਫੱਦ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲੀ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਚਰ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬੋ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਦੋ ਲੈਬਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 20 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਲੈਬਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਫਰੂਟ ਖਜੂਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚਾਵਲ ਵੀ ਔਰ ਸਾਲਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਬਦੁਲ ਹਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਏ ਹੋਏ ਭਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੁਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਆਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ